तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है डिवाइड। आज क्या करेंगे हम, डिवाइड 6 को डिवाइड करना है 2 से, ठीक है ना। तो क्या पढ़ेंगे हम, पहले 2 का टेबल। 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ा 6, 2 फोर ज़ा 8। लेकिन जो 8 है ये क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। हमें 6 तक ही टेबल पढ़ना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे 2 थ्री ज़ा 6, ठीक है बच्चों। तो 6 में से 6 हम निकाला तो ये रह गया 0, जो यहाँ पे 3 निकल गया है ना, 3 हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। ऐसे ही हम करेंगे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। 12 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो हम कौन सा टेबल पढ़ेंगे, 4 का टेबल, ठीक है ना। पढ़ लिया हमने 4 का टेबल। 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12, निकल गया हमारा, है ना। हमें तो आगे जाना ही नहीं है, 4 फोर ज़ा हमें पढ़ना ही नहीं। हमें क्या आ गया यहाँ पे आंसर, 4 थ्री ज़ा 12, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 थ्री ज़ा 12। तो यहाँ पे 12 में से 12 निकालेंगे तो कितना रह गया, 0। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा, 3, ठीक है बच्चों। ऐसे ही हम करेंगे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। 9 को डिवाइड करना है 3 से, तो कौन सा टेबल पढ़ेंगे हम अब, 3 का, जैसा ऊपर पढ़ा हमने, है ना, ऐसा ही पढ़ेंगे हम। 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, 3 थ्री ज़ा 9। अगर हम 3 फोर ज़ा लिखेंगे लेकिन वो बड़ा हो जाएगा। हमें कहाँ तक पढ़ना है, हमें 3 तक ही पढ़ना है, क्योंकि हमारा आंसर 3 थ्री ज़ा 9 में ही आ गया, यानी कि 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, 3 थ्री ज़ा 9, ठीक है बच्चों। तो 9 में से 9 निकालेंगे तो कितना रह गया, 0। आंसर क्या आ गया, 3, है ना। कितने इजी क्वेश्चन है बच्चों, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, समझने के लिए आप लोगों को। अब हमें 15 को करना है 5 से, है ना बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे हम पहले 15, हमें 5 से करना है डिवाइड। अब कौन सा ये टेबल पढ़ेंगे हम, 5 का, क्योंकि हमें यहाँ पर हमारा क्या है, 5 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 5 वन ज़ा, सॉरी 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा 15, है ना। आप भी पढ़ लो एक बार, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा 15, 5 फोर ज़ा कितना आ गया, 20। लेकिन वो ज़्यादा हो रहा है ना, हमें सिर्फ 15 को करना है ना, हमें 15 ही आना चाहिए, है ना बच्चों। तो 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा 15, हमारा आंसर यहाँ पर ही निकल गया, 5 थ्री ज़ा 15। 15 में से 15 निकाला तो रह गया 0। तो आंसर क्या आ गया हमारा यहाँ पे, 3, है ना। जितने ईजी क्वेश्चन थे। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक डिवाइड। कल हम इसी टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आज मैंने आपको शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है ना, समझाया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। कल हम फिर इसी डिवाइड के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से देखो और रिवाइज़ करो।